क्या दोस्तों आपको भी अपने जियो नंबर की अपनी कॉल हिस्ट्री को निकालना है, किस दिन आपने किससे बात किया था, कौन से दिन आपने किसे कॉल लगाया था, इसी सारी चीज़ अगर आपको निकालनी है तो किस तरीके से निकालोगे इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरा सभी स्किप मत करना। जियो ऐप से अपनी कॉल हिस्ट्री को निकालने के लिए आपको अपना जियो ऐप ओपन कर लेना है, और जियो ऐप ओपन करने के बाद आपको अपनी कॉल हिस्ट्री को निकालना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मगर आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। नीचे के साइड आपको देखने को मिलते हैं 5 ऑप्शन, तो यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है मेन्यू का, आप जस्ट आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर आपको शो करेगा, और यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर एक ऑप्शन आ रहा है माई यूजर्स, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा डाटा कॉल एसएमएस, तो यहाँ पर आपने जितना भी डाटा यूज किया होगा यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने किस दिन कितना डाटा यूज किया था, एक बार में आपने कितनी एमबी यूज की थी यहाँ पर आपको दिखाएगा। और कॉल डिटेल के लिए यहाँ पर आपको कॉल पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको जिस दिन आपने किसे कॉल किया था ये सारी डिटेल आपको दिखाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं होती है, तो अगर आपको अपने कॉल का स्टेटमेंट चाहिए तो नीचे के साइड आपको देखने को मिल जाएगा डू यू वांट टू व्यू डिटेल्ड यूजेस स्टेटमेंट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेगा 7 डे और 15 दिन 30 दिन, तो आपको जिस दिन का अगर 15 दिन का अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो यहाँ पर आपको 15 दिन का कर देना है। अगर आपको कोई कस्टम डेट का चाहिए यानी कि आपको उस दिन से लेकर इस दिन तक की कॉल डिटेल का चाहिए तो यहाँ पर आपको कस्टम डेट पर क्लिक कर देना है। और फ्रॉम डेट आपको जिस दिन से लेकर आज के दिन तक अपनी स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल फिलअप कर देनी है। और डेट फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको देखेगा ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट, व्यू स्टेटमेंट, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर व्यू पर कर देना है, तो आपको ईमेल पर कर दे। अगर आप अपने ईमेल पर कर देंगे तो आपकी एक पीडीएफ आपके ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी, जिससे आपकी ईमेल हमेशा सेफ रहेगी, तो आपको ईमेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल को फिलअप कर देना है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल को फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों ईमेल फिलअप होने के बाद नीचे के साइड आपको देखने को मिलेगा सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा जो आपकी ईमेल पर ये स्टेटमेंट सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है और यहाँ से वापस आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो जीमेल ऐप होता है यहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा ई बिल योर स्टेटमेंट अब अकाउंट और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर एक पीडीएफ हमें सेंड कर दी गई है, तो पीडीएफ को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। तो पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर आपके सामने दिखाएगा कि आपके मोबाइल में जितने भी पीडीएफ व्यूअर ऐप होंगे यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो आपको पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक कर देना है किसी पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉल की सारी डिटेल दिख जाएगी, आपने किस दिन किसे कॉल किया था, यहाँ पर आपको डेट नंबर कितनी देर बात हुई थी किससे बात हुई थी सारा का सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इस तरीके से आप अपने जियो ऐप से अपनी कॉल डिटेल को निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।